नबी हम तमाम मोमिनों की माँ आयशा के साथ खाना खा रहे हैं। हजरत आयशा ने हड्डी को लिया, चूसा दस्तरखान पे रख दिया, उसी हड्डी को मेरे आका ने लिया, चूसा फिर रख दिया। पैगंबर इस्लाम से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस हड्डी को तो मैंने चूस लिया, तुमने क्यों लिया मुंह में? मेरे आका ने फरमाया, आयशा सिर्फ तुझे खुश करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, इस्लाम की तालीम है, जिंदाबाद, ये नबी के कुरान की तालीम है कि तुम अपनी औरतों से मोहब्बत करो, प्यार करो, अपनी बीबियों से क्या करो, मगर प्यारे अपनी सी करिए। मेरे नबी ने फरमाया, अपनी औरतों से मोहब्बत करो, और करके भी दिखाया, समझे मेरे नबी। नबी की तालीम देखो, नबी की जिंदगी देखो, मोहम्मद अरबी की शरीयत देखो। शादियां करने के लिए चलो, रिश्ते अच्छे तलाश करो, औरत तुम्हारे पैर की जूती नहीं है प्यारे, तुम्हारी शरीके हयात है यार। घर में अभी कभी छोटी मोटी बात हो जाए ना तो लड़ाई झगड़ा मत करना, जरा बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में कभी छोटी मोटी बात हो जाए तो तुम ही सब्र कर लेना, इसलिए कि औरत नाकिसुल अक्ल होती है, वो हड्डी से पैदा है, पसली से पैदा है, पसली होती है टेढ़ी, टूट जाएगी मगर सीधी नहीं हो सकती। अगर किसी ने सीधा करके दिखाया हो तो बताओ, टूट जाएगी मगर सीधी, अरे बोलो यार, सीधी नहीं होगी, इसलिए सब्र करना मेरे प्यारे। अगर घर में कभी छोटी मोटी बात हो जाए तो मेरे नबी के दामाद अली के तरीके पर अमल करना। एक मसले को लेकर के अली ये मुर्तदा और फातिमा में इख्तलाफ, इख्तलाफ राय। अली उठे मस्जिद में जाकर के लेट गए, अगर आज घर में कोई बात अगर हो जाए ना छोटी मोटी, तो अगर घर में कुछ ना कहेगा तो बाहर कैंटीन पे इसके दोस्त कह रहे हैं, क्या हो गया भाई, कैसे खामोश है, चेहरा क्यों उतार के बैठा है, चाय भाई पी यार, कि कुछ अगर परेशानी है तो बता। कहा यार क्या बताऊं, वो तुम्हारी भाभी नहीं मानती मेरी बात, तो अब इसके दोस्त मशवरा दे रहे हैं, ऐसा कर एक आध मरतबा लठिया निकाल दे। नहीं है हालात, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तुम्हें इसे मशवरे दे वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो पक्के शैतान है, समझे, वो दोस्त नहीं है, दय्यूस से तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता है वो। यार बीबी मारने की चीज थोड़ी है, अगर कभी कोई बात हो जाए वुजू कर कर के रब के घर में चला जा। अली ये मुर्तदा गए, मेरे नबी आए, फरमाया बेटी फातिमा मेरा दामाद अली कहाँ है? नबी से फातिमा कहती, बाबा मस्जिद में गए हैं अली। नबी समझ गए, मेरे अली पहुंचे, अली का हाथ पकड़ा, चलो अली, आए अली, आए अली, बोलो 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 बोलो, आए अली। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जरा बीच में चटाई तो बिछा, चटाई बिछाई गई, जब चटाई बिछाई तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा मेरी एक जानिब को लेट जा। लेट गई फातिमा इस जानिब, नबी ने फरमाया, अली तुम मेरे इस तरफ लेट जाओ। एक तरफ लेटा है विलायत का ताजदार, दूसरी तरफ लेटी है जन्नत की औरतों की सरदार, और बीच में लेटे हैं ताजदारे मदीना। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा मेरे सीने पर हाथ रखो। नबी ने दूसरी तरफ देखकर फरमाया, मेरे दामाद अली तुम मेरी बेटी फातिमा के हाथ पर हाथ रखो। इन अली के हाथ पर हाथ रखा मुस्तफा ने। अब जुमले सुनो, मेरे नबी ने जब अपना हाथ अली के हाथ पर रख दिया, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला आज जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी और दामाद के दरमियान सुलह कराई है, अगर कयामत तक मेरी उम्मत में अगर कोई मेरा उम्मती अपनी बेटी और दामाद के दरमियान इसी तरीके से सुलह करा दे तो मैं अबिला कलाल उसकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसल के आला हजरत फैजाने ताजुशरिया नारे तकबीर वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अपनी बेटियों को तालीम दे करके भेजो, मगर आज ये तालीम कहां बेटियों को हम देते हैं, समझ रहे माँ? माँ दिन में दो दो घंटे बात करके पूछ रही है, कोई परेशानी तो ना, समझ रहे? अरे हकीकत बता रहा हूं यार, घर के बर्बाद होने की वजूहत समझे, जो लड़की फोन पर ज्यादा अपनी घर की बातें अपने माँ बाप को बताएगी उस घर में कभी सुकून हो ही नहीं सकता यार। और लड़की के मामलात में अगर उसके माँ बाप ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तब भी उस घर में सुकून नहीं रह सकता। अगर तुम अपनी बेटी के घर को आबाद रखना चाहते हो, समझे, बेटी घर से जुदा हो रही है ना, तो जब बेटी घर से रुखसत होती तो सबकी आंखों में आंसू आते हैं, भाई भी रोता, बहन भी, रिश्तेदार भी, बड़ा अजीब मंजर है ये, जिन्होंने अपनी बहनों को रुखसत किया उनके दिल से पूछ के देखो बड़ी अजीब कैफियत होती है। मेरे नबी ने भी जब अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दिया, मेरे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों के आंसू थे कि फातिमा थमन रिसालत को पकड़ कर चल गई। बाबा रोते क्यों हो, आपने मुझे अली के निकाह में दिया है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तू मेरे कलेजे का टुकड़ा, बेटी मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है, तेरी माँ तुझे बचपने में छोड़कर चली गई फातिमा, आज तुम मुझसे अलग जा रही है, मगर मेरी बेटी फातिमा कान खोल कर सुन ले, कयामत के दिन मुझसे इस हाल में मिलना कि मेरा दामाद अली तुझसे राजी हो। बोलो 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 यार, ये तालीम दो अपनी बेटियों को। मेरे नबी ने फरमाया बेटी इस हाल में मिलना कि मेरा दामाद अली तुझसे राजी हो, अगर अली राजी ना हो सका तो कयामत में मुझसे मत मिलना, समझ रहे? क्या वजह थी प्यारे, क्या आंख थी, आठ आठ दिन के फाका करने के बाद भी अगर कभी मुस्तफा फातिमा के मकान पर जाते तो फातिमा अपनी कुशादा पेशानी से नबी से मिलती, मेरे नबी फरमाते बेटी क्या हाल है, तो अर्ज करती बाबा अल्लाह का बड़ा फजल है, समझे, खाना नहीं होता फिर भी कहती रब का बड़ा फजल है, यहाँ हफ्ते में नहीं महीने में चार चार सूट बनाती है, और किसी महीने ना बनाया तो कूद के कहती है तुम्हारे घर में देखा क्या मैंने, पूरी जिंदगी हो गई पालते हुए, मकान रहने के लिए दिया, लाइट दी, पंखा दिया, बिस्तर दिया, खाने का इंतजाम किया, अब तो लिस्ट बना के दे दे व्हाट्सएप पे, पूरी ने ये सामान ला दियो हूं सब हेड़ी से जाके, समझे, अगर कुछ कमो पेशी हो जाए ना सामान में नहीं बल्कि उसके ब्रांडेड में, ब्रांड में जो कंपनी होती है उसमें अगर कमी हो जाए ना, ओ ये चले के आयो, ओ अल्लाह की बंदी ऐसे अपने शोहर को परेशान मत कर, बुतरी सर का ताज, उसकी आमदनी के मुताबिक अपनी जरूरतों को रखो, मत बढ़ाओ बोझ। तो ये मेरे नबी ने पैगाम दिया बेटी फातिमा मुझसे इस हाल में मिलना कि मेरा दामाद अली तुझसे राजी हो। तुम भी अपनी बेटियों को यही पैगाम दो, बेटी अब तक तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इख्तियार तेरे ऊपर तेरे बाप के मेरे थे, मगर बेटी अब मैं तुझे निकाह में दे चुका हूँ, अब मुझसे भी ज्यादा तेरे ऊपर जो पावर है वो तेरे शोहर का है, अगर तेरा शोहर मेरे घर को बोले आने के लिए तो आना, और अगर तेरा शोहर मना करे तो मत आना, समझे? ये तालीम दे के भेजो बेटियों को। अब बेटी अगर रो रही है ना तो बाबा सीने से लगा के कह रहे हैं कि रो रही है, रो मत, फर्नीचर का सामान बहेड़ी से लेने का इरादा था मगर तेरे चक्कर में बरेली से लाया हूं, समझे, गाड़ी छोटी देता बड़ी दे रही हूं, अगर कोई कुछ कह दे ससुराल में तो मिस कॉल कर दिए, अगर कोई कुछ कह दे, अब मिस कॉल की भी जरूरत ना, सईद भाई जियो का फोन दे के भेज रिया, समझे, मिनट मिनट की खबर दे, यार ये घर बर्बाद नहीं होंगे, ये घर बर्बाद होने ही यकीनन, फिर वो सरों पे चुटिया रखने वाले दिल्ली में बैठकर कभी तलाक के सलासा पर कानून बनाएंगे, समझे, जागो मेरे भाई, अपनी मस्जिदों को आबाद करो,
इन शादियों के प्रोग्रामों को विवाद करो तो कैसी लड़की से शादी करो दीनदार, तुम्हारे घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। बोलो 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 बोलो। अल्लाह ने जब हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा को बनाया, औरत के अंदर उनसियत, औरत के अंदर चुंबू के मर्दों को खींचने की, हजरत आदम ने हजरत हव्वा की तरफ देखा, चाहा कि हव्वा को छू लूं। रब की तरफ से हुक्म हुआ आदम रुक जाओ। रुक गए आदम। अर्द की बारी ताला के जन्नत में मेरे लिए कोई रोक है? अल्लाह ने फरमाया जन्नत तुम्हारे वास्ते तुम्हारी वफादार औलाद के वास्ते बनाई है। ए आदम, बारी ताला क्या मैं हव्वा को नहीं छू सकता? जवाब मिला, ए आदम छू सकते हो मगर पहले हव्वा से निकाह करो। निकाह करूं मौला ताला? और हाँ आदम, हव्वा से निकाह करोगे तो मेहर भी अदा करोगे। क्या अदा करोगे? 10-10 लाख उठा के शादी में आ रहा, 5-5 लाख रुपए, कहीं झगड़ा ना होगा, मेहर पे होगा। लड़की वालों को चाहिए कि लड़के की हैसियत के मुताबिक बांधे, उस पर बोझ ना डाले। और लड़के वाले को भी चाहिए कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक बांधे। वहां जाके नीचे को मुंह करके कह रहा कि नहीं ऐसा करो 2000 रुपए बांध दो, 10,000 बांध दो और 5 लाख की गाड़ी ले रिया है कोई हद यार। यार मेरे भाई, ओ भाई, अपनी जो इस्लाम ने जितनी इजाजत दी इतने काम करो। 5 लाख शादी में उठा के आ रहा, इमाम साहब ने कहा खुशी का मौका, ऐसा करो 500 रुपए बढ़ा के दे दियो। ओ इमाम साहब कौन सी हदीस में है? देखियो जरा कौन सी हदीस है। ओहो, अब आई तुझे नबी की हदीस याद? तुझे घर में जो डीजे बाजे रंडिया नचा के आया, तू नबी की हदीस याद ना आई? तो इमाम ने रोका था, मत करो हाजी जी ये काम, तुम्हारे पेट में आंख नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। तो कह रहा इमाम साहब मेरी तो कतन मर्जी नहीं है, मगर वो लल्ली का पायना ना मान लिया। ओ समझे कि ना, वो इमाम साहब हमारी मर्जी ना, उसके यार दोस्त दिल्ली में रहे तो वो ये कह रहे हैं ना पूरा खर्चा हम ही उठा लेंगे। शर्म नहीं आती यार? अल्लाह की पनाह मांगो। कितने लोगों के बारे में हमने सुना है, वो शादियों के कार्ड बांटने के लिए निकला था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। समझे कितने लोगों की हमने खबरें सुनी है, बारात जारी थी, इंतकाल हो गया। कितने लोगों की हमने खबरें सुनी है कि हादसे हो गए। ओ इस्लाम की शहजादी, जब तेरे घर से कल तेरे भाई की तेरे बेटे की बारात जाए तो तू अपने घर में खुराफात मत करना, नाच ना मत। ये फातिमा की कनीजों की शान नहीं है। ए फातिमा की कनीजों, कल जब तुम्हारे घर से तुम्हारे भाई की बारात निकले तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम वुजू कर करके कुरान मजीद खोल करके बैठ जाना। ए माँ, तू वुजू कर करके मुसल्ले पर अपनी परेशानी को टेक करके मौला की बारगाह में अर्ज करना, मौला मेरे घर से मेरा बेटा दुल्हन लेने के लिए निकला है, मौला ए अर्श के मालिक अपनी इज्जत अमानत फरमा दे, रब की इज्जत की कसम तू मुसल्ले पर दुआएं करेगी तेरा नहीं करना। ये बुराइयों के काम है मेरे भाई, शादी का मौका है, अल्लाह की रहमत है, तुम्हारे घर पर झमाझम बरस रही है। अरे बोलो, बात पूरी कर लू या खत्म कर दू? जी? जी तो यार गोर गोर के क्यों देख रहे हो? हाँ टाइम हो गया, अच्छा नमाज पढ़ेंगे फजर की? कहो इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह, आप भी कहो इंशाल्लाह। नमाज पढ़कर जाना, दुल्हन लेने के लिए जा रहे, बहुत खुशी का मकाम है, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसे मत करना, एक शेर की बारात निकली तो चूहा सबसे ज्यादा डांस कर रहा है उसके आगे। शेर बोला कि बारात मेरी है, तू क्यों डांस कर रहा? तू क्यों डांस कर रहा है इसमें? कि बहुत टाइम से देख रहा हूं कि तू अलग ही कुत्ता दिखाई दे रहा।
मेरे नबी ने फरमाया प्यारे निकाह में आसानियां पैदा करो। निकाह में, अरे बोलो बोलो, आसानियां। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। फमर रगीब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत सरोगर्दानी की फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। प्यारे कब तक हंसोगे इन महफिलों में, कब तक उठते रहोगे? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, पड़ोसियों के हक अदा करो। और दुनिया में याद रखना प्यारे, जमाना रूठे तो रूठे मगर तेरे माँ बाप ना रूठने पाए। जमाना रूठे तो रूठ जाए मगर तेरे माँ बाप ना रूठने पाए। इस तरीके से अपने मकान पर शादी के प्रोग्राम करो, शादियों को आसान बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया औरत, ये है बुजुर्गों का भी कोल है कि औरत टूट जाएगी मगर सीधी पसली से पैदा है। एक दिन मैं सोचने लगा, मौला तू तो पैर की हड्डी से भी पैदा करने पर औरत को कादिर है। अगर चाहता तो औरत को पैर की हड्डी से पैदा फरमाता। मौला अगर तू चाहता तो सर की हड्डी से औरत को पैदा फरमाता, मगर तूने औरत को पसली से पैदा क्यों फरमाया? पसली से क्यों पैदा फरमाया मौला? जवाब मिला मेरे बंदो, अगर पैर की हड्डी से पैदा फरमाता तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बंदे औरत को अपने कदमों के नीचे कुचल डाले। सर की हड्डी से इसलिए पैदा ना फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि औरत मर्द के सर पर चढ़ करके बैठ जाए। सीने की हड्डी से इसलिए पैदा फरमाया, पसली से इसलिए पैदा फरमाया। अरे पसली दिल के करीब होती है और दिल तोड़ने की जगह नहीं, अरे दिल तो आबाद करने दिल तो मोहब्बत करने की जगह होती है। मेरे प्यारे अपने घर के झगड़े खत्म करो। घरों में अगर छोटी मोटी बात हो जाए तो नजरअंदाज कर देना मेरे प्यारे, छोटी छोटी बातों को सोचना भी मत। और तुम्हारे घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता, आखिरी बात सुन लो। अरे बता दें क्या? अच्छा चलो अगली बार पूछ लेना जब आएंगे। ओ ये बुलाएंगे ही नहीं, मुझे बुलाना मत, मुझे बुलाना या ना बुलाना इसकी कोई परवाह नहीं है। इन उलमा को जरूर बुलाना, इन्हें भी बुलाना या मत बुलाना, मगर अपने घर पर अपने इमाम को जरूर बुलाना। समझे गाहे बगाहे उससे मिलते रहा करो। हजरत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, तू लाखों कमाता है उसकी भी खिदमत किया कर। समझे दुआ की भी जरूरत ना पड़ेगी। आप किसी गरीब को खाना खिला दें, दुआ के कहने की जरूरत नहीं है, पेट भर जाएगा तो खुद ही दुआएं निकलेंगी। है कि नहीं है मेरे भाई? अरे बोलो तो। शेर बोला चूहे से, तू मेरी बारात में क्यों डांस कर रहा है? ए बाबू हंसना नहीं भाई, क्यों डांस कर रहा? इसने कहा डांस इसलिए कर रहा हूं शादी से पहले, मैं भी तो शेर ही था, चूहा तो बाद में बनाऊं। समझ रहे सईद भाई? हां, तुम्हारे घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता। मेरे एक नुस्खे पे अमल कर लो, एक नुस्खे पे। जब भी बीवी के पास बैठो ना तो उसके भैया बंदों की तारीफ शुरू कर दो। यार झगड़ा हो जा तो बात है फिर। अगर 50-80 साल की बुढ़िया ना, 80 साल की कितनी, उसके भैया बंदों को बुरा कह के तो दिखा दियो। एक कोने में से उठ के आ जाएगी, भैया के नाम और अब्बा के नाम सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, मगर भैया बंदों की बुराई तो यार क्या जा रहा झगड़ा खत्म करने में। अगर भाई अगर फटीचर भी ना हो तो कहना अपनी बीवी से, तेरा भाई मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में चेयरमैन बनेगा। तेरा भाई चले तो मुझे पक्का नेता लग रहा है। फिर देखो अगर फूल का गुप्पा ना हो जाए तो बात क्या आ जाए, तो क्या जा रहा है यार। माहौल सुधारो यार, अच्छा माहौल पैदा करो। ये क्या वजह है कि बहेड़ी में जाकर जाम में जाकर के तू होटल पे जाने के बाद चिकन फ्राई खाए, बिरयानी खाए और घर में आए तो तेरे चेहरे पे 12 बज गए। ऐसे घरों में बरकतें नहीं होती हैं। समझे तुम्हारे मन में कैसे चल जाती है यार बाहर अपनी फैमिली को छोड़ करके। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था, अगर वो कभी दावत में चले भी जाते तो जो खाना दावत में खाते वही खाना अपने घर बनवा के अपने बच्चों को खिलवाते। समझे
अब तो बारात में जा रहा, कह रहा ना घर ऐसी कर लिए कल्लू को बना लेंगे ना, मैं तो बारात में जा रहा, तो तू ही खाता बोना खागी यार। ये नहीं मेरे भाई, अपने बच्चों को खुशहाल रखो, जो अपने घर वालों के साथ बेहतर नहीं है, नबी फरमाते हैं वो किसी के साथ बेहतर नहीं है, समझ रहे। किसी की अगर बेहतरी और अच्छाई देखनी हो तो देखो कि इसके मामले अपने घर वालों के साथ कैसे हैं, अपने घर वालों के साथ देखो मेरे भाई, तो ये सुधार लेकर के आओ। घर में अच्छे से रहो, फैमिली के साथ रहो, अपने बच्चों में रहो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ने की तलकीन दो। अल्लाह ने फरमाया फनकहु मा ताबा लकुम, तुम ऐसी औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे दिलों को भा जाए, जो तुम्हारे दिलों को अच्छा लगे। ए इस्लाम की शहजादी, तेरी भी जिम्मेदारी बनती है। अब ये मेरा मौजू नहीं था प्यारे, मैं दूसरी तरफ गुफ्तगू करता कि इस्लाम की शहजादी तू भी अपने घर का माहौल सुधार ले। ये बाहर से आया काम करके, पूरा दिन का थका मांदा, खेत में हल चला के, फैक्ट्री में काम करके आया, घर में आया कि घर में आके सुकून मिलेगा, क्या मिलेगा अरे बोलो। मगर घर में सुकून रखा, जैसी घर में को बड़ा बजाए खाने के, देखा तो चेहरे घर में को जैसी बड़ा तो चार पाई पे सर पे दुपट्टा बांध के लेट लिए। अब ये कह रहा तुझे क्या हो गया, तेरा तुम्हें पता ही ना मेरे तो सर में दर्द है 8 दिन से। अब पूरे दिन का थका हुआ था, कहां का खाना कहां का पानी, समझे खून का घूंट पी के रह गया, न खाने का पता न पानी का पता। अब मजबूर है, कहेगा चल भाई तुझे दवाई दिलवा के लाऊं, चल बरेली से दिलवा के लाऊं दवाई, अल्ट्रासाउंड करा ले अपना। तो कह रहे ना जी डॉक्टर पे ठीक ना होगा ये, और कहां ठीक होगा ये, कहा ये तो मजारों पर ठीक होगा, समझे। हाँ अब लेके चलो किसी पीर के पास, अब वहां जाके कर रही है दम दम मस्त कलंदर, समझे। ये इस्लाम की तालीम है यार, ये शरीयत की तालीम है यार, समझे। पीर भी बड़े बड़े तजूस पैदा हो गए इस कौम में, बाबा पीर, नकली पीर, डोगन पीर, बैगन पीर, कलुआ पीर, टमाटर पीर, हाँ ठीक बताए। अल्लाह अपना रहम करे यार, पीर तो वो है जो हमारा हाथ पकड़े और मेरे नबी के दरबार से मिला दे यार, ऐसा होना चाहिए ना पीर। वो क्या पीर है यार जो औरतों को सामने बैठ के मुरीद कर रहा है, क्या कर रहा है अरे बोलो यार, वो पीर नहीं है दयूस है मेरे भाई, वो शरीयत का जनाजा निकाल रहा है। पीर वो है जो हाथ पकड़े और मदीने के ताजदार की बारगाह से मिला दे। पीर वो है यार जो शरीयत का पाबंद नहीं है। एक पीर आ गया मुरादाबाद के इलाके में, समझे, औरतों को जमात से नमाज पढ़ा रिया। तो यार ये हाल है यार, हद है यार। अब उस पीर से ज्यादा तजूस वो नहीं है जिनकी औरतें जा रही हैं, हैं? इमाम साहब ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ओ इमाम साहब तुम अपनी नमाज पढ़ाओ, तुम्हारे पूरे इलाके में कोई भी मेरी टक्कर का ना ले, अने कोई आलिम मेरी टक्कर का ना। अबे तू कोई एलपी गाड़ी है, ट्रम्बा है, क्या है तू भाई, हैं? और जब आए ना हजरत, वो यूट्यूब पर पड़ी है वीडियो डाली है बना करके उस पीर की, नकली पीरों का ऑपरेशन भाया मौलाना असलम, उसमें वीडियो है पीरी पूरी उस पीर की। उससे पूछा कि भाई, और पहली बात तो उसके मुरीद बाहर को नहीं आने दे रहे, झगड़े पे उतर गए। इमाम साहब ने बुला लिया इलाके के उलामा, सब पहुंच गए वहां, उसमें हम भी थे, पहुंच गए तो पूछा उनसे कि वो पीर साहब ये बताइए कि आप अपना तारुफ कराइए, तारुफ मतलब अपना नाम बताइए। कहा पीर साहब अपना तारुफ कराइए, तो पीर को नहीं पता तारुफ किसे कहे, ये कह रहा मौलाना तुम ही करा दो ले। हाँ वीडियो में है, समझ रहे। मौलाना ने कहा हाँ ना तुम ही करा दो, और पीर के लिए चार शर्तें जिसमें आलिम होना भी, यानी इतना इल्म जितना अपनी जरूरत का किताबों से निकाल ले। मौलाना ने कहा तुम्हें इतना इल्म है तो कह रहा पीर ना, मुझे तो कतन इल्म ना। ऐसे ऐसे लोग पीरी मुरीदी में चल लें, समझे। और जो खूब लुटाई हो रही है प्यारे, ये नहीं, ये दीन नहीं, इस्लाम की शहजादी।
नबी की बारगाह में यही खातून गई, पैगंबर इस्लाम जिहाद की बड़ी फजीलत है, आका क्या हमें इजाजत नहीं है कि औरतें इससे महरूम रह जाएं? मेरे नबी ने फरमाया, ए इस्लाम की बेटियों, तुम अपने घर की चार दीवारी में रहने के बाद सिर्फ अपने शोहर को राजी कर ले, तेरा शोहर मुस्कुरा, तेरा शोहर जब घर में दाखिल हो तो अपने शोहर का मुस्कुरा कर इस्तकबाल कर ले, अल्लाह जितना सवाब गाजी को मैदान में अता करेगा तुझे घर की चार दीवारी में अता करेगा। ये भी इस्लाम की तारीख है। ए इस्लाम की बेटी, क्या तू इसलिए पैदा की गई है कि तू मार्केट और बाजारों की सीनत बने? क्या तू इसलिए पैदा की गई है कि मेलों में जाकर अपने हुस्न की नुमाइश करे? किस लिए पैदा की गई है? तेरा किरदार तो बड़ा किरदार है, तेरी शान तो वो शान है कि नबी ने जब बिलाल से कहा था, बिलाल जरा ऐलान लगाओ कि लोग जिहाद लोग निकले मैदान के लिए। भैया इधर तवज्जो, बात खत्म, मसीद भाई खत्म कर रहा हूं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ए बिलाल ऐलान करो, मैदान में निकले जो नौजवान जाने के लायक, जो बूढ़े जाने के लायक नहीं है वो इस्लाम के लिए माल देकर मदद करें, और नौजवान मदद के लिए निकले, जिहाद के लिए निकले। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने तैयबा में आवाज लगी, तमाम लोग थोड़े नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, आका हम हाजिर है, चले किधर चल रहा है? नौजवान बूढ़े आए माल देकर के चले गए जो मैदान में जाने के लायक नहीं है। ए इस्लाम की शहजादी, तेरी तारीख बता रहा हो, तेरा किरदार और तेरा करैक्टर बता रहा, जब तेरी शान ये थी तो तेरी कोख से हुसैन पैदा होते थे, तेरी कोख से हसन पैदा होते थे, इमाम जाफर और बाकर पैदा होते थे, इमाम आजम पैदा होते थे, वक्त का गजाली पैदा होता था, इमाम तहावी पैदा होता था, तसव्वुफ का इमाम इब्नुल अरबी पैदा होता था। जब तेरी शान ये थी ये इस्लाम की शहजादी, तो इमाम अहमद रजा जैसा शेर क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, भाई वाह। सुन तेरी शान क्या थी, जब तमाम नौजवान नबी के गुलाम खड़े हैं, एक खातून हती है और अपने दोनों हाथों को बांधे हुए है, टिकटिकी बांध कर देख रहे, ए पैगंबर इस्लाम कोई खातून बड़ा माल ला रही है। जब नबी की बारगाह में पहुंची, नबी के करीब पहुंची, जब उसने अपनी पोटरी को खोला, रब की इज्जत की कसम, उस छह महीने का बच्चा था, अर्द की आका इसे कबूल फरमा ले, मेरे आका इसे कबूल फरमा ले। सियाबा समझ रहे थे इसमें बड़ा माल है, मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम की बेटी क्या है ये? अर्ध किया का मैंने बिलाल की आवाज को सुना, ए मेरे आका, मेरा बाप भी मारा गया जिहाद जंग में, मेरा भाई भी शहीद हो गया, मेरा शौहर भी शहीद हो गया मैदाने उहद में, ए मेरे आका, अब मेरे पास ना बाप है ना भाई है ना शौहर है, मैं किसको पेश करूं? माल भी नहीं है मेरे आका, ताकि मैं मुजाहिदीन की मदद कर सकूं। मगर हाँ मेरे आका, मेरे पास ये छह महीने का बच्चा है ना, इसे लेकर के मैदान में जाए। मेरे नबी की आंख से भी आंसू टपके हैं, मुस्तफा के सहाबा भी रो रहे, जज्बे को सलाम, उनकी अजमतों को सलाम, उनकी रिफातों को सलाम, उनकी बुलंदियों को सलाम, उनकी शानों को सलाम, उनके कदमों पर हमारी माएं कुर्बान। मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं, मुस्तफा ने बच्ची की पेशानी को चूमा, मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम की शहजादी, ये बच्चा मैदान में जाने के बाद ना तो दुश्मन की तलवार को रोक सकता है, ना उसके नेजे को रोक सकता है, ना उसके आने वाले तीर को रोक सकता है। ये इस्लाम की शहजादी, पहले इस बच्चे की परवरिश कर, जब ये बच्चा जवानी की तहलीज को पहुंचे, इसे फिर इस्लाम के लिए पेश करना। और इस्लाम के बेटो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अपनी औलाद को तालीम दो, मुस्तफा का गुलाम बनाओ, खालिद बिन वलीद का गुलाम बनाओ। 12 साल का बच्चा मक्के की धरती पर है, नाम जिसका हजरत जुबैर बिन अवाम है, हाथ में छोटी सी तलवार लेकर के, पैर में चप्पल भी नहीं है, दौड़ा चला जा रहा, दौड़ा चला जा रहा, बाप ने
रोका, रुक जा मेरे लाल, माँ ने रोका, रुक जा मेरे लाल। खानदान के लोग आवाज देते हमारे लाल रुक जा, कहाँ दौड़ रहा है ये तलवार लेकर के, तेरी पेशानी पर पसीना टपक रहा है, पैरों से खून निकल रहा है, बच्चा किसी की नहीं सुनता। मगर अचानक पीछे से एक प्यारी और हसीन आवाज आती है, ऐसा महसूस होता है जैसे दिल को पलट लिया है। आने वाली आवाज किसी आम इंसान की ना थी, आने वाली आवाज तो उसी की थी जिसको रब ने कुरान में वद्दुहा कहा है, जिसकी रफ्तार को सुभान नबी असरा कहा है, जिसके बारे में कुरान ने वन नजमी इदा हवा, जिसके सफर की रफ्तार को बयान किया है, जिसकी अजमतों के बारे में कुरान ने कहा है अलम नसरा लक सदरक व रफाना लक जिक्रक, जिसकी बुलंदियों का आलम यह है ए महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। कितना बुलंद कर दिया है, कितना बुलंद कर दिया। हजरत हसन रिफाई बयान फरमाते हैं जब आतसव्वुरात तखय्युलात की दुनिया में मैंने परवाज शुरू की और मैं 70,000 अरसों को उबूर कर गया, उल्टा उल्टा 70,000 अरसों से ऊपर चला गया। हातिफ़े गैबी से आवाज आई ए हसन रिफाई किधर आना चाहते हो, अर्श की बारी ताला उस अर्श पर पहुंचना चाहता हूँ जिस अर्श पर तेरे महबूब के कदम पहुंचे है। आवाज आई ए हसन रिफाई अगर मैं तुझे 70,000 साल की उम्र भी दे दू उस अर्श तक नहीं पहुंच सकता जिस पर मेरे महबूब के कदम पहुंचे। पीछे से आवाज आई रुक जा मेरे लाल, रुक जा मेरे लाल। जब इस शख्स ने पीछे बच्चे ने पीछे मुड़ करके देखा तो रोकने वाला बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, चचा भी नहीं, रोकने वाला अमीना का लाल है। अरे बोलो बोलो बोलो, इधर हाथ खड़ा करके बोलो या रसूल अल्लाह। रोकने वाले मेरे मुस्तफा मदीने के ताजदार, काबे के बदर तुजा तैबा की शम्स दुहाए, नबी ने फरमाया बेटा किधर जा रहे हो। अर्दी की आका तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे दिल को करार आ गया, मेरे नबी ने फरमाया बेटा किधर जा रहा हूं। मेरे आका अभी मैंने अपने महल्ले की गली में सुना था किसी ने मेरे नबी को गिरफ्तार कर लिया, मेरे नबी को पकड़ लिया, एक कैदी बना लिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बेटे ना मुझे कैदी बनाया गया ना गिरफ्तार किया गया, मैं अब्दुल्ला का बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे नबी ने फिर मुस्कुरा के फरमाया बेटे अगर मुझे पकड़ लिया गया होता, मुझे कैदी बना लिया गया होता तो छोटी सी तलवार से क्या करता। अपने बच्चों को सिखाओ, उमर की जिंदगी के बारे में बताओ, अली की दास्तानी सुनाओ, अपनी औलाद को उमर बिन अब्दुल अजीज का गुलाम बनाओ। उस बच्चे से नबी ने फरमाया बेटे अगर मुझे कैदी कर लिया गया होता तो क्या करता। वो छोटा सा बच्चा कहता है ए पैगंबर इस्लाम ये मेरी छोटी सी तलवार है, अगर तुम्हें पकड़ लिया गया होता तो आज ज़ुबैर बिन अवान की तलवार मक्के के अंदर इतनी गर्दनें काटती, मक्के की गलियों में खून खून कर देता जब तक अपने नबी को आजाद। ये थी शान तुम्हारी यार, ये थी तुम्हारी किरदार। आज नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे, कब तक हंसोगे, कब तक अपनी मस्जिदों को वीरान रखोगे, कुत्ते भौंक रहे। मगर ये कौम मुस्लिम का बेटा घर में टीवी के बटन को ऑन कर करके बैठा है, मोबाइल देख रहा है, सोशल मीडिया पर मस्त है। ये तेरी तारीख नहीं है, आमी तुझे बताऊं दौर किसका, खालिद बिन वलीद का। अरे बोलो बोलो बोलो, हाजियों के काफिले को लूट लिया गया, हाजियों के काफिले को लूट लिया गया, ईसाइयों ने लूटा, तमाम को मार दिया। जनरल ने कहा बुला मोहम्मद को मदद करने के लिए मदीने से आए, ये ताना देता था फौज का कमांडर, तमाम की गर्दनें काट दी गईं। दौर किसी अत्तू नत्तू खैरा का नहीं था, समझ रहे। जब खतीब के अल्फाज भी असर ना करें, शायरों के कलाम तुम्हारे दिलों पर असर ना करें, बुजुर्गों की नसीहत काम ना आए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर जालिम हाकिम मुसल्लत होने वाले, समझ रहे। यहां से सुनी यहां को निकाल दी, बस कूद लिए फांद लिए हो गया। दौर खालिद बिन वलीद का था, आवाज पहुंची खालिद बिन वलीद के कानों में कि फिलिस्तीन में लूट लिया गया हाजियों को, ये कहा मोहम्मद को बुलाओ मदद के लिए। आपने पानी नीचे को रख के कहा जब तक पानी ना पीऊंगा जब तक कि नबी के गद्दार को सजा ना दे दूं। एक रिवायत में ये भी आता है कि आपने फौरन कहा तैयार करो दस्ता, निकलो पकड़ो उन खबीसों को चलकर। आप खुद साथ में गए उनको पकड़ने के लिए।
इतना कहा था बुलाऊ मोहम्मद को मदद करने के लिए। नबी का शेर निकला है, दीवाना निकला है। जब उन फौजियों को पकड़ा गया, खालिद बिन वलीद ने फरमाया क्या किया जाए इनके साथ, कहा इनसे माल लो, इनको छोड़ दो, आजाद कर दो। तमाम से माल लिया, छोड़ दिया। मगर जब बारी आई जनरल कमांडर की, खालिद बिन वलीद की आंखों से खून निकलता था और वो कदमों पे गिर के जिंदगी की फरियाद मांगता था। समझे, कदमों पे गिर के जिंदगी की फरियाद मांग रहा है। खालिद बिन वलीद ने फरमाया था, उससे कहने लगा खालिद बिन वलीद से, खालिद बिन वलीद मेरे फौजियों को छोड़ दिया, अगर मुझे छोड़ दिया इतना खजाना दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्ल सुकून से जिंदगी गुजारेंगी। खालिद बिन वलीद के जुमले सुनो, खालिद बिन वलीद ने फरमाया नादा, तूने कहा था ना बुलाओ मोहम्मद को, आपने तलवार ली और उसके सीने के चार टुकड़े कर कर कहते थे, खालिद बिन वलीद ओ कुत्ते, तू कहता था ना बुलाओ मोहम्मद को मदद करने के लिए, देख आज मोहम्मद अरबी ने अपना गुलाम ऐसे लाल पैदा करो। वो बच्चे को मेरे नबी ने दिया, इस्लाम की शहजादी तू जा, इसे जवान करना। बच्ची औरत फिर भी कहती है पैगंबर इस्लाम, मेरा बच्चा एक खूबी का मालिक है, इसे जंग में लेके जाए, छह महीने का बच्चा। नबी ने फरमाया कौन सी खूबी है इसके अंदर, इसने कहा मेरे आका जब मेरे बच्चे की पेशानी को चूमते हैं मेरे आका तो मेरा बच्चा सीने से लग जाता है। ए पैगंबर इस्लाम, मैं चाहती ये हूँ मेरा बाप भी शहीद हुआ, मेरा भाई भी शहीद हुआ, मेरा स्वर भी शहीद हो गया, ए आका मेरे बच्चे को मैदान में लेकर के जाओ, जब काफिर तुम्हारी तरफ तीर चलाए तो मेरे बेटे की पेशानी को चूम लेना। ए मेरे आका, मेरा बेटा तुम्हारे सीने से लग जाएगा और काफिर की तरफ से आने वाला तीर तुम तक न जाने देगा, अपने ऊपर खाकर जाने शहादत कर लेगा। ये भी एक जज्बा था मेरे प्यारे, वक्त की किल्लत दामनगीर है, आप जाएं, अल्लाह आपकी शादी को मुबारक फरमाए। आपने बड़ा अच्छा ये शादी का प्रोग्राम किया, अपने घर को बुराइयों से महफूज फरमाया, अल्लाह इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत में आपको अता फरमाए। इजाजत है, एक शख्स मुझे ताने जा देता है, एक शख्स मुझे ताने जा देता है, मरने भी लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। एक शख्स मुझे ताने जा देता है, मरने भी लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। तुम्हारी शर्तों पे तुम्हें करना है कबूल तो ये सहूलत तो फिर मुझे सारा जहान देता है।